परी क्या हुआ? चुप हो जा। तो टिक ओ, अरे क्या हो गया मेरी बेटी को आज? क्यों रो रही है इतना? हाँ ओ ओ क्या बात है ओवी, इतना क्यों रो रही है? पता नहीं क्या हुआ है, तब से रोए जा रही है और दूध भी नहीं पी रही है। इसका पेट खराब हो? नहीं नहीं, बहुत टाइम हो गया इसे दूध नहीं पिया अभी तक, तो शायद पूर्वी ने पिला दिया होगा ना। वैसे भी अब तुम लोगों में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है ही ना। क्या पूर्वी? पूर्वी क्यों मेरी बेटी को दूध पिलाएगी? अब वो सब मैं नहीं जानती होगी, पर मैंने देखा था अब उस दिन पूर्वी को इसे दूध पिलाते। पुन्नी जो मुंह में आ रहा है बोलो मत। I'm sure कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, पूर्वी पूर्वी कभी नहीं ऐसा कर सकती। मुझे गलत फहमी नहीं हुई है, इनफैक्ट मुझे लगा कि तुम ही ने पूर्वी को ये अधिकार दिया होगा। आफ्टर ऑल तुम्हें बहुत चिंता थी ना पूर्वी की, तुम्हें उसे उस सदमे से बाहर निकालना था एंड ऑल। मैंने देखा था उस दिन उसे बच्ची को दूध पिलाते हुए। पुन्नी प्लीज, तुम मुझे झूठ क्यों कह रही हो ये सब? अरे ओवी मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे तो लगता है कि पूर्वी इस बच्ची के थ्रू अर्जुन के करीब जाने की कोशिश कर रही है। तुम तो जानती हो ना ओवी, सिर्फ एक आई को ही हक होता है अपनी बच्ची को दूध पिलाने का। पूर्वी ये हक तुमसे छीन रही है, उसे वरना क्या जरूरत है ये सब करने की? मुझे तो लगता है कि ये बच्चा उससे कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा है। और तुमने देखा नहीं है ये बच्ची कैसे सिर्फ पूर्वी के गोद में जाकर ही चुप होती, तुम्हारे पास नहीं? देखो पुन्नी, मैं तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं करती, तुम झूठ कह रही हो। ठीक है, मेरी बात का यकीन नहीं है तो जा पूर्वी से पूछ कि उस दिन हॉस्पिटल के बाहर वो क्या कर रही थी। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल के बाहर पूर्वी गाड़ी में बैठकर बच्ची को दूध पिला रही थी वो। जाओ पूछो। ओवी क्या हो गया इसको? पूर्वी देखो ना, तब से रोए जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है। लो इसे चुप करा दो। क्या हो गया परी को? परी तुम्हें पता है इतनी लोरियां सुनाई इसे दूध पिलाने की कोशिश की, पर नहीं चुप ही नहीं हो रही है। शायद इसे तुम्हारी आदत हो गई है। लो इसे दूध पिला दो। अभी ये तुम क्या कह रही हो? क्यों, मैंने क्या गलत कहा? तुमने तो परी को पहले भी दूध पिलाया ना, तो फिर आज क्या प्रॉब्लम है? लो इसे दूध पिला दो। ओवी वो, हाँ या ना? तुमने परी को दूध पिलाया है या नहीं? ओवी वो परी एक्चुअली बहुत रो रही थी, उसे बहुत भूख लगी थी, तो तुम भी आसपास नहीं थे, तो ओवी क्या तुम इतना भी नहीं जानती हो? एक बच्चे को दूध पिलाने का हक सिर्फ उसकी आई का होता है। मैं हूँ जो तुम्हारे बारे में इतना सोच के मैंने सोचा कि मेरी बेटी तुम्हारे आसपास रहेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुमने अपना बच्चा खोया है, तो शायद मेरे बच्चे के आसपास रहके तुम अपना दुख भुला पाओगी, पर तुम तो मुझसे मेरे ही हक छीन रही हो। या मैं तुम्हारे बारे में इतना सोच रही हूँ और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हो?
पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम परी की मौसी बनने लायक भी नहीं हो। नहीं हो तो मौसी बनने लायक। अभी प्लीज ऐसे मत कहो। अभी परी परी भूख से रो रही थी। वो भूख से बहुत रो रही थी मुझे देखा नहीं। अरे इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम इसे अपना दूध पिलाओगी। तुम चाहती क्या हो कि मेरी बेटी को तुम्हारी आदत लग जाए? वो नहीं रह पाए तुम्हारे बिना। एक बात कान खोल के सुन लो पूर्वी, तुम परी के आसपास भी मुझे नहीं दिखनी चाहिए। नहीं रहोगी तुम मेरी बेटी के आसपास। पूर्वी तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ, इसीलिए मैं कोई तमाशा नहीं खड़ा कर रही हूं। तुम्हें पता है ना अगर आई यहां होती तो वो कितना शर्मिंदा होती तुम्हारी हरकत से। और हाँ प्लीज दूसरी वर्षा मौसी मत बनो। वर्षा मौसी को सोहम दादा के लिए जो ऑब्सेशन था ना उसकी वजह से आज तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। महाराज ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ये बात रख रही हूं, बट आई होप कि तुम मेरी वार्निंग सीरियसली लोगी। नहीं तो और एक बात, कुछ दिनों में जो तुम्हें समझने लगी थी ना पूर्वी, शायद तुम वो हो ही नहीं। मैं जो पहले तुम्हारे बारे में सोचती थी तुम एग्जैक्टली वैसे ही हो। तो प्लीज मुझसे और मेरी बेटी से दूर ही रहना। मिश्री क्या हुआ? मिश्री तुम रो क्यों रही हो? मिश्री क्या हुआ बताओगी? ओवी ने कहा तुमसे कुछ? अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन सी गलती? कैसी गलती? चलो देखती हूँ मेरा तीर सही निशाने पर लगा या नहीं। अरे ओवी ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं वो घर जा रहे। मैं ये सब तो तुम्हें बस सावधान करने के लिए बता रही थी, तुम तो घर जा रही हो। हाँ तो वैसे भी मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है, इसका मतलब मेरा तीर ठीक निशाने पर लगा। खिला। और पता नहीं ओवी को कैसे पता चला, उसे किसने बताया? मैं नहीं जानती। मिस्टी किसने बताया, क्यों बताया, फिलहाल ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम बस इस बात को मान लो कि तुम्हारी ममता की वजह से तुमसे गलती हुई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी मुश्किल से तुम्हारा और ओवी का रिश्ता सुधरा था और फिर से तुम उसी जगह पर खड़ी हो जहां से तुमने शुरुआत की थी। और मैं जानता था मिस्टर ये एक ना एक दिन जरूर होगा, इसलिए शुरू से मैं परी को ओवी और अर्जुन को देने से मना कर रहा था, लेकिन तुम मेरी बात मान ही नहीं रही थी। मैं जानता था तुम अपनी बच्ची के बगैर नहीं रह पाओगी, तुम्हारी ममता बीच में आ ही जाएगी। और देखो वही हुआ। इसलिए ऐसा करके तुम ना ही सिर्फ अपनी लेकिन अपनी बच्ची की भी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना मिस्टी तो वो दिन दूर नहीं है जहां पे ओवी और अर्जुन को परी की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। और तुम जानती हो अच्छी तरीके से अगर ओवी को परी की सच्चाई के बारे में पता चल गया तो हाउ शी विल रिएक्ट। तुम क्यों परी के भविष्य के साथ खेल रही हो? अरे मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ, लेकिन उन्हें मैं क्या करती? परी मेरी गोद में थी, वो भूख से इतना रो रही थी मुझसे नहीं देखा कि। तो अपनी ममता पर थोड़ा कंट्रोल कर लेती मिस्टी। अब तुम देख रही हो तुम्हारी लापरवाही की वजह से
तुम परी और ओवी से दोनों से दूर चली गई। जिंदगी भर तुम्हें उनसे दूर रहना पड़ेगा, अपनी बच्ची से दूर रहना पड़ेगा। रह पाओगे तुम? मैं रह लूंगी। ये जितना तुम्हें आसान लग रहा है ना मिस्टी, ये उतना आसान है नहीं। जब तुम्हारी बच्ची तुम्हारे सामने आएगी ना, तब तुम अपनी ममता को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए मुझे लगता है कि हमें कोलकाता निकल जाना चाहिए। इस शहर से, परी से, ओवी और अर्जुन की जिंदगी से बहुत दूर। आजी आई, जल्दी आओ, देखो ओवी जा रही है। अर्जुन, मैंने परी का बैग पैक कर लिया, ले आओ बाहर। क्यों रे, इस तरह अचानक क्यों जा रही हो? नहीं आजी, वैसे भी मैं कुछ दिन के लिए आई थी ना यहाँ पे, और अब तो परी का नामकरण भी हो गया है, और वहाँ पे आजी और राजोबा भी अकेले हैं, तो इसीलिए। अरे वाह, तो फाइनली ये यहाँ से जा रही है। चलो अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे तो लगा था कि ये भी पूर्वी और ओनर की तरह यहीं पर रहने वाली है, मेरे सर के ऊपर। बप्पा की कृपा है। अरे हाँ, एक मिनट इधर। अपना और परी का ख्याल रखना। चले ओवी, अरे इतनी जल्दी क्यों जा रही है बेटा? अच्छा देख, घर आती रहना, तेरा ही घर है। हाँ मुझे तो इसे। परी बोले, क्यों जा रही है इतनी जल्दी? जल्दी जल्दी आ जाना। उन्हीं ये ना, आजी अब हमें निकलना चाहिए। वैसे भी बहुत मुश्किल से सोई है, अगर उठ गई ना तो परेशान करेगी। अर्जुन चले। पूर्वी, ओवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था ना? तुम बच्चे के साथ थोड़ा सा खेल लेती तो पता नहीं क्या बिगड़ जाता उसका। कभी कभी बहुत इमेच्योर बिहेव करती है। उसे पता है तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, फिर भी पता नहीं क्यों। अरे ओवी और अर्जुन, इतनी रात गए तुम दोनों आ गए, आओ ना अंदर आओ। हाँ जी, वो तेरी बहुत याद आ रही थी ना, इसीलिए आ गई। अरे तो मुझे बोल देती ना, हम साथ में मिलके आते थे, है ना? चल कपड़े बदली कर ले और हाथ पैर धो ले, परी को दे दो। जा 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 चोनू माजी चोनू। Is everything okay? तुम गाड़ी में काफी weird सा behave कर रही थी, और वहाँ पे पूर्वी के साथ भी ऐसा behavior। Is there any problem? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। मुझे ऐसे ही क्यों लगेगा ओवी? अगर अगर कोई problem नहीं तो तुमने पूर्वी को परी के साथ खेलने क्यों नहीं दिया? देखो, I know there's something wrong, please tell me क्या बात है। वो परी सो रही थी और बहुत मुश्किल से सोई थी वो,
इसलिए मैंने परी को पूर्वी को नहीं दिया, बस और कोई रीजन नहीं है। मौनवी, ओवी क्या बात है? ओवी टेल मी, आई नो देयर समथिंग रॉन्ग, प्लीज टेल मी क्या बात। ओके फाइन, सुनना है ना तुम्हें? तुम्हें पता है पूर्वी ने परी को अपना दूध पिलाया और खुद पुन्नी ने ये सब देखा उस दिन हॉस्पिटल के बाद। ये पूर्वी चाहती क्या है? मेरी परी को मुझसे छीनना चाहती है ना? व्हाट रबिश ओवी, प्लीज ओवी, कैसी बकवासी बातें कर रही हो तुम? और किसकी बात पे विश्वास कर रही हो? पुन्नी की बातों पे, जिसका काम सिर्फ दूसरों के कान भरना है। लेकिन ओवी, ओवी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, अंडरस्टैंड, बिलीव। तुम जितने कॉन्फिडेंट हो ना, मैं भी उतनी ही कॉन्फिडेंट थी। पर तुम्हें पता है क्या, पूर्वी ने खुद ये बात मेरे सामने एक्सेप्ट की है। But... मैं क्या सोच रही थी, सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था। मैं सच में तुम दोनों का पास भूल चुकी थी और मेरे और पूर्वी के बीच में तो सब कुछ नॉर्मल हो गया था, पर पूर्वी ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो क्या चाह रही है? मेरी परी को मुझसे छीनना चाहती है वो। तुम वो चाहती है कि परी को उसकी आदत लग जाए? मैं इतनी बड़ी पागल हूँ, मैं सोच रही थी उसने अपना बच्चा खोया, मेरी बेटी के आसपास रहेगी तो वो बेटा फील करेगी, पर देखो उसने क्या। जस्ट रिलैक्स, तुम बात को पता नहीं कहां से कहां लेकर जा रही हो। पूर्वी इस वक्त एक ट्रॉमा में, आई थिंक उसने इसी वजह से ऐसा कुछ किया। यही वजह है कि ये बात मैं किसी और को नहीं कह रही। पर एक बात तो है कि पूर्वी परी से दूर रहेगी। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है उसने अभी भी अपना बच्चा खोया? यू अंडरस्टैंड ये कितनी बड़ी बात है? और पिछले कुछ दिनों में परी से काफी ज्यादा अटैच हो चुकी है। प्लीज उसे परी से दूर मत करो, कुछ भी करो। जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। मैं खुद जाके पूर्वी से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उसे, एवरीथिंग इज गोना बी ओके, डोंट वरी। प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि पूर्वी इस बच्ची के थ्रू अर्जुन के करीब जाने की कोशिश कर रही है। तुम सुन रही हो? ओवी, लिसन टू मी। मैं क्या? हाँ, मैं सुन रही हूँ। अर्जुन, तुम्हें ना जो करना है तुम करो, पर परी मेरी बेटी और मेरा ये फाइनल डिसीजन। ओवी, डोंट डू दिस। ओवी, ओवी। डॉक्टर, अर्चना को कब होश आएगा? मिस्टर मानव, आप मुझे रोज एक ही सवाल पूछते हैं और मैं आपको रोज एक ही जवाब देता हूं, और आज भी मेरा यही जवाब है। देखिए, हमारा ट्रीटमेंट शुरू है, लेकिन अर्चना की तबीयत में अभी भी कोई सुधार नहीं है। ये अर्चना देशमुख का कमरा कौन सा है? जी, आगे से राइट जाइए, वहां से तीसरा रो। ये अर्चना तो यहाँ लेटी है, फिर वो ससुरा मानव कहाँ गया? अरे हमने तो सुना था कि वो अपनी बीवी को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता, फिर कहाँ गया वो? हिम्मत कैसे हुई आने की? हम तो कहे बताने आया हूँ कि हमारे लाला के खिलाफ जो तू केस किया है ना, वो वापस ले ले वंडर। वंडर क्या कर लेगा तू? क्या छीन लेगा मेरा? मेरी जिंदगी, मेरी अर्चना तो पहले छीन चुके हो तुम। आज तेरे बेटे की वजह से मेरी अर्चना खुमा में है, उससे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। जेल में सड़ता रहेगा वो, और अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना पता नहीं आज मैं क्या कर बैठूंगा। अरे तू हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, हमको धमकी दे रहा है। अभी तो हम जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन पलट कर ऐसा वार करूंगा कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझा? पर हाँ, जहाँ तक सवाल हमारे लाला का है ना, तो हाँ वो हमारा बेटा है, ओको तो हम किसी भी तरह छुड़ा लूंगा। अरे जो कसूर उसने नहीं किया तू उसे ओ की सजा दे रहा है, मैं हम लोग को छोड़ूंगा नहीं। अरे इन्हें आप लेके जाओ, बाहर लेके जाओ। शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, यह हॉस्पिटल है, इस तरह के हंगामे से हमारे पेशेंट को तकलीफ हो सकती है।
आप लोग इन्हें लेकर गए नहीं अभी तक? छोड़ हमका, ओ मानव देशमुख, हमरे एक बात ध्यान रखना, हम तो को तुम्हारे परिवार को छोड़ूंगा नहीं, बदला लेकर रहूंगा। अरे अरे छोड़ा हमका जाने दे।